बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। आज की जो हमारी वीडियो है वो स्पेशल वीवो का जो नया मॉडल आज हमें मिला है, वीवो का Y16 जो कि 4 GB और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। आज इसकी फर्स्ट डे है पाकिस्तान की मार्केट में सेल की, तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और हमारे पास जो अवेलेबल कलर है वो स्टेलर ब्लैक कलर है और ड्रिजलिंग गोल्ड कलर में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि जो ड्रिजलिंग सेटलर ब्लैक कलर है, स्टेलर ब्लैक कलर है, इसको अनबॉक्स करते हैं और अपने शायकीन को दिखाते हैं कि ये फ़ोन कैसा है। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं उन तमाम वीडियोस का मकसद स्पेशल यही है कि आपके साथ पाकिस्तान की मार्केट में जो मौजूदा फ़ोन्स आते हैं या नए फ़ोन आने वाले होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए और जो आ जाए उनकी अनबॉक्सिंग की जाए और आपको दिखाया जाए। और इसके अलावा सेल के हवाले से अगर बात की जाए तो कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस जो है ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी तरफ से दस्तियाब है तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान के कहीं भी किसी भी कोने में आप रहते हो, इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोशिश ही होती है कि आपको टाइम पर मिल जाए। तो आइए देखते हैं, हमारे पास स्टेलर ब्लैक कलर जो है वीवो का Y16 4 GB 64 GB है, जो कि जो स्टेलर ब्लैक कलर है इस फ़ोन का वो खासा इम्प्रेसिव लग रहा है और डिज़ाइन जो है वो खासा खूबसूरत है। ये जो लाइनिंग सी नज़र आ रही है ये खासी खूबसूरत लग रही है, बेहतरीन लग रही है। कैमरे जो मोटे मोटे दो नज़र आ रहे हैं ये दो मोटे मोटे ज़रूर हैं, लेकिन रिज़ल्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो वीवो का जो फ़ोन है इसका जो बैक कैमरा दिया गया है वो है 13 MP कैमरा इस फ़ोन का दिया गया है। तो बड़े बड़े कैमरे बनाने का डिज़ाइन बनाने का मकसद ये होता है कि अच्छी क्वालिटी भी दी जाए, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि 13 MP जो है इस मोबाइल का कैमरा दिया गया है। तो स्फेरिकल कैमरा है इस फ़ोन का और डिज़ाइन जो है बैक से खासा यानी कि फिनिशिंग और जो डिज़ाइन वगैरह दिया गया है वो खासा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप इसको साइड से अगर इस तरह देखें साइड से तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह किसी रात में बारिश बरस रही हो और बूंदें जो नज़र आती हैं आपको आसमान से बरसती हुई, उस किस्म के यानी कि लुक दे रहा है ये फ़ोन वीवो का Y16 4 GB 64 GB। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ है आई थिंक ये, और जो टाइप सी पोर्ट के साथ ये फ़ोन दिया गया है। डुअल स्पीकर के साथ है, 3.5 mm जो है जैक है इस फ़ोन का। अब चिपसेट की अगर बात की जाए तो चिपसेट जो है इस फ़ोन में वो दिया गया है हेलियो P3512 NM का चिपसेट दिया गया है। 5000 mAh बैटरी के साथ ये फ़ोन आया है हमारा वीवो का Y16, और जो चार्जिंग जो सपोर्ट करता है यानी कि फास्ट कितना है वो भी देख लेते हैं और बता देते हैं। तो जो सपोर्टिव है ये 10 W सपोर्टिव एडाप्टर के साथ ये फ़ोन आया है। हमारे पास जो एक्सेसरीज़ हैं इस फ़ोन की वो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये 10 W का जो एडाप्टर दिया गया है, बिल्कुल 10 W का एडाप्टर दिया गया है और साथ में एक केबल दी गई है टाइप सी की, और हैंड फ्री वगैरह जो है इस फ़ोन के साथ नहीं दी गई, जो कि पाकिस्तानियों के साथ सख्त ज़्यादती हमेशा रही है और होते आ रही है और स्पेशल वीवो की तरफ से आजकल नज़र आ रही है। अगर प्राइस टैग को देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में सबसे पहले अगर प्राइस इंक्रीज़ किया करने वाली कंपनी थी तो वो ओप्पो हुआ करती थी, लेकिन अब वीवो है। वीवो जैसे ही किसी मॉडल का प्राइस अप करती है उसके फ़ौरन बाद ओप्पो करती है, उसके फ़ौरन बाद जो है नहीं कि टेक्नो, इन्फिनिक्स, आईटेल और सैमसंग करना शुरू कर देती है। तो ये है हमारे पास वीवो का Y16 जिसके डिस्प्ले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, नोच डिज़ाइन के साथ है जिस तरह ये हमेशा देते आए हैं। साइड फिंगरप्रिंट के साथ है ये फ़ोन हमारा, और जो फ्रंट कैमरा है इस फ़ोन का वो है 5 MP। तो आइए इस कैमरे को ऑन करते हैं और कैमरे में देखते हैं कि कैमरे का रिज़ल्ट कैसा है। 13 MP कैमरा है इस फ़ोन का, तो बखूबी आपको पता होना चाहिए कि 13 MP का रिज़ल्ट कैसे हो सकता है। अब फ्रंट की तरफ आते हैं तो फ्रंट जो है वो है जनाब 5 MP है, लेकिन रिज़ल्ट जो है 5 MP से अच्छा नज़र आ रहा है इस फ़ोन का। आइए दूसरा जो कलर है हमारे पास इस मॉडल में Y16 में उसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कलर कैसा रहेगा। तो ड्रिजलिंग गोल्ड कलर है जिसको मैंने अनबॉक्स कर दिया है और अभी कुछ सेकंड में इंशाल्लाह आपकी नज़रों के सामने होगा वीवो का Y16। अच्छा, कीमत की अगर बात की जाए तो कीमत को हम अभी यानी कि एक्सपोज करेंगे और बड़े अच्छे अंदाज से करेंगे इंशाल्लाह। ड्रिजलिंग ब्लैक गोल्ड कलर जो है वो खासा इम्प्रेसिव है और ख़ासा खूबसूरत है। अगर डिज़ाइन की बात की जाए ना तो यहाँ पर एक चीज़ जो है यानी कि वो देखने के काबिल है, ये जो गोल्ड डिज़ाइन है कैमरे का और यानी कि गोल्ड प्लैटिनम का डिज़ाइन कलर दिया गया है इस मोबाइल के कैमरे के रिंग को, जो कि खासा खूबसूरत और बेहतरीन नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो स्टेलर ब्लैक कलर है और ड्रिजलिंग गोल्ड कलर है, लुक के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से खासा खूबसूरत और बेहतरीन नज़र आ रहा है। अब कीमत की बात करते हैं तो कीमत जो है इस फ़ोन की वो है
50,000 रुपये पाकिस्तान की मार्केट में वीवो का Y16 4GB 64GB। कंपैरेटिवली देखा जाए अगर इस मोबाइल को अदर ब्रांड को अगर करते हैं तो सैमसंग जो ब्रांड है पाकिस्तान में वो हमेशा ज़्यादा ही लोगों ने उसको हमेशा ज़्यादा पसंद किया है। तो A13 जो है 4GB 64GB आज उसकी कीमत इंक्रीज़ हुई है, वो 45,000 से जंप करके आई है 48,000 पर। तो अगर देखा जाए तो Y16 से A13 बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो Realme के बारे में हमेशा कहता आया हूँ, तो Realme का एक मॉडल है C35 जो कि 4GB 128GB है और जो कि 50MP AI ट्रिपल कैमरे के साथ है। 5000mAh बैटरी है इस फ़ोन की और ये जो फ़ोन है आपका इसकी ऑफिशियल कीमत 50,000 है और आज के हिसाब से इसकी कीमत 50,000 ही है सेल के लिहाज से। Realme का C25 है, अगर उसकी बात की जाए तो 40,000 कीमत है और 39,000 में आपको मिल जाता है इसका चिपसेट, बैटरी बैकअप और हर लिहाज से ये फ़ोन खासा बेहतर नज़र आएगा आपको। इसके अलावा अगर बात की जाए ओप्पो की बात की जाए तो ओप्पो वीवो ने बिल्कुल पाकिस्तान की मार्केट में उधम मचा के रखी हुई है। पूछने वाला तो कोई है नहीं, पूछने वाला सबसे पहले जो होता है वो यानी कि आवाम होती है। तो हमारे मुल्क में आवाम कम और हजूम ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि बायकॉट कोई नहीं करता। अगर ये फ़ोन बिके ना मार्केट में तो ऑटोमेटिकली यानी कि इनका जनाजा निकल जाए। लेकिन बहरहाल वीवो का मॉडल जो है Y16 4GB 64GB जिसको मैं यानी कि थम्स अप करता हूँ सिर्फ एक लिहाज से कि कलर जो डिज़ाइन जो दिया है लोगों ने वो खासा खूबसूरत दिया है और IPS LCD डिस्प्ले है 10 वाट के साथ, 5000mAh बैटरी है, हेलियो P35 12nm चिपसेट दिया गया है इस फ़ोन का, 13MP बैक कैमरा है, 5MP फ्रंट कैमरे के साथ ये फ़ोन आया हुआ है और बाकी तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी सर्विस के थ्रू तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। हमारे दिए हुए व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता करें या PT सेल के ज़रिए या हमारी जो वेबसाइट है www.whiteapple.com.pk, आप वहाँ से भी जो है ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब जो कीमत दी जाएगी आपको, डिस्काउंटेड रेट जो दी जाएगी वो दी जाएगी आपको 47,000 में आपको ये डिलीवर हो जाएगा। अब यहाँ मज़े की बात ये है कि वीवो का जो मॉडल है Y21T एक ही यूनिट मेरे पास रह गया है स्नैपड्रैगन 680 चिपसेट के साथ, 4GB प्लस 1GB रैम, 128GB मेमोरी और 50MP कैमरे के साथ है, 18W फास्ट चार्जिंग के साथ है। अब ये जो फ़ोन है ये आपको डिलीवर होगा 48,000 में और ये जो हमारा फ़ोन है Y16 ये आपको डिलीवर होगा जनाब आला 47,000 में। तो इससे ये लाख गुना वीवो का अपना मॉडल ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो वीवो का जो मॉडल है Y22 जिसकी मैं ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, आज Y16 के आते ही Y22 की कीमत जो है वो 50,000 से ऑफिशियल से जम करके 55 पर चली गई है। अगर अभी ये परचेज़ करना चाहते हैं तो ये आपको डिलीवर होगा 50,000 रुपीज़ में। अब यहाँ कंपेरिज़न आप ख़ुद करें कि ये जो मॉडल है वीवो का Y22 बजाते खुद हेलो G85 में है, 50MP में है, तो ये Y16 से खासा बेहतर है। अब समझ इस बात की नहीं आती कि वीवो कंपनी आखिर कर क्या रही है पाकिस्तान की मार्केट में, लेकिन फिर भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने वीवो का Y02S 3GB 32GB विदाउट फिंगरप्रिंट के ख़रीदा है पाकिस्तान की मार्केट में 33,000 34,000 और 35,000 में जाकर। तो वो लोग ज़रूर जो है इंशाल्लाह वीवो का जो Y16 मॉडल है 4GB 64GB परचेज़ हमसे ही करेंगे या कहीं और से करेंगे। तो जब तक ये मामलात रहेंगे तब तक ये हालात रहेंगे, आगे अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क के हालात पर, हमारे तमाम तर चीज़ों पर। मैं एक बात मार्केट में ज़रूर कहता हूँ कि मोबाइल जो है उसकी कीमत ख्वाह ये 50,000 की है 1,00,000 में चली जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दाल चीनी आटा जो खुराक की चीज़ें हैं ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ ये सस्ती होनी चाहिए क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये ना आपका गुर्दा है ना फेफड़ा है ना मैदा है ना उंगली है ना आँख है ना कुछ है ना दिल है, एक मोबाइल है जो कि इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेता है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में अगर सर्वे देखा जाए ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो सऊदी अरब जो है वो आयाशी के लिहाज से नंबर एक पर है और पाकिस्तान के लोग जो है वो दिखावे के लिहाज से जो है एक नंबर पे, मतलब एक दूसरे को हम इम्प्रेस करते रहते हैं कि यार उसके पास ऐसा फ़ोन है मेरे पास क्यों नहीं, मैं भी लूँगा तो मैं भी दिखाऊंगा। तो ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, अगर ये चीज़ हमसे निकल जाए तो हो सकता है जो बायकॉट का जो सिलसिला है वो किसी कदर खातिर जो है कि मैदान में यानी कि आ जाए और इन कंपनियों का अंदाज़ा हो जाए। तो मैं हूँ काशिफ खान यूसुफ़ज़ई, वाइट एप्पल कम्युनिकेशन पेशावर की जानब से, अपनी तमाम तरह टीम की जानब से अल्लाह नेगेबान, अल्लाह हाफिज़।